जैसा कि आप सब जानते हैं 2010 में पीएम पैकेज आया था 01-2010 दो एडवर्टाइजमेंट आई थी 01-2010 और दूसरी थी 06-2010 जिसमें 1600 पोस्टें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आई थी जिसमें कि 800 पोस्टें रिजर्व थी जो कि एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए थी बट कश्मीरी माइग्रेंट्स में एसटी और एसटी कैटेगरीज फॉल नहीं होती है। गवर्नमेंट को वो फिल करनी थी बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनकी री एडवर्टाइजमेंट करी और हमारे कुछ कैंडिडेट्स 221 कैंडिडेट जो थे वो कोर्ट में गए और उन्होंने कोर्ट में केस किया और उसमें उनको एडजस्टमेंट हो गई। कोर्ट ने कहा इनको एडजस्ट कर लो और कोर्ट ने गवर्नमेंट ने उनको एडजस्ट कर लिया। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे कुछ लोग 10 पॉइंट वाले थे, कुछ लोग 8 पॉइंट वाले थे, उनको जो गवर्नमेंट ने एडजस्ट कर लिया हम यहाँ पे 30 पॉइंट वाले हैं, 32 पॉइंट वाले हैं। बट हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं एडजस्ट कर रही है? हमें हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारा अपना हक हमें मिलना चाहिए। अगर आप हमारी ये बदकिस्मती है कि आज जो है 8 पॉइंट वाला श्रीनगर में बैठ के जॉब कर रहा है और हम यहाँ पे 32 कैंडिडेट पॉइंट्स वाले हम यहाँ पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं। आज हमें घर से घर में हमें बोला जाता है कि आपकी पढ़ाई का क्या फायदा है। हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है माइग्रेंट्स ने, कभी कैंप में बैठे एक क्वार्टर में हम लोगों ने अपनी जिंदगी व्यतीत की हुई है लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हो रही है। आज हमें अपना हक नहीं मिल रहा इसलिए हमें